और सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे इन सारे भाई बहनों के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी स्तुति गान करवाई। आज हमें पता है कि हमारे जो पास्टर साहब है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट भी है और उसी नाते से वे आज पूर्ण इस चर्च में गए हैं। उनके साथ हमारे कुछ यूथ भी गए हैं, इसलिए हमारे आज पायर में थोड़े कम बच्चे थे। परमेश्वर को स्तुति हो, धन्यवाद हो। आपके आपके जो टैलेंट है उसी इसी तरह से परमेश्वर उसकी स्तुति महिमा के लिए उपयोग में लाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि तू बढ़े और मैं घटूं। थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में और इस समय हम पवित्र वचनों की ओर जाएंगे। आज के मनन के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है प्रेरितों के काम इसका 3 अध्याय और वचन 1-10। फॉर टुडेज मेडिटेशन स्क्रिप्चर एक्ट्स 3rd chapter एंड वर्सेस 1-10। प्रेषितांचे कृत्य याचा 3rd अध्याय आणि 1-10 आपण आज आजच्या मननासाठी निवडलेले आहे। ज्यांना पण शास्त्र भाग मिळालेला आहे ते समोर येऊन वाचू शकतो। एक्ट्स 3rd chapter 1-10। आज के मरण के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है प्रेरितों के काम इसका 3rd अध्याय वचन 1-10। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पत्रस और यूहन्ना 3rd पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टहनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। पिता परमेश्वर से पढ़े गए वचन पर आशीष। थैंक यू वेरी मच स्टेला। माइक चल। आज हमने अभी प्रेरितों के काम 3rd अध्याय 1-10 वचन पढ़े हैं और आज का मानना जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है उस मानने को लेकर मैं विनती करती हूँ रेवरेंड प्रकाश डगरे सर से, हमारे आदरणीय जो महाराष्ट्र के विश्वालय के कोऑर्डिनेटर है, मैं उनसे विनती करती हूँ कि आज का मानना हम सबके लिए माने। रेवरेंड प्रकाश डगरे सर। प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह। प्रभु की स्तुति करता हूँ, प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। सो वचन पे बढ़ने के पहले मैं विनती करता हूँ कि हमारे बीच में माई गणेश सुनले और हमारे से विश्ववाणी के बारे में और थोड़ी सी मुलाकात करके देंगे, उसके बाद में वचन कर रहा हूँ। प्रभूची स्तुती करतो आणि प्रभूच्या नावाला परत एकदा मान सन्मान आणि गौरव देतो की प्रभूने आम्हाला ह्या नांदेड शहरामध्ये आणलेलं आहे आणि प्रभूची सेवा करण्याची संधी प्रभूने आम्हाला दिलेली आहे।
त्या प्रभूच्या नाम थोर नावाला आम्ही प्रभूला धन्यवाद देतो, प्रभूची स्तुती करतो. आणि तुम्हा सर्वांची नांदेडीतील मेथोडिस्ट मंडळी जी आहे त्या मंडळीच्या प्रेमासाठी, प्रार्थनेसाठी आणि सहकार्यासाठी आम्ही प्रभूला धन्यवाद देतो. एवढे चांगले लोक प्रभूने आम्हाला प्रार्थना करणारे आणि सहकार्य करण्यासाठी दिलेले आहे. मागील 5-6 महिन्यामधून नांदेड शहरातून विश्वांची मिनिस्ट्री फार आशीर्वादित झालेली आहे. मागच्या 5 महिन्यामध्ये 1 तारखेला आम्ही या ठिकाणी वन डे सेमिनार घेतलं विश्वाणीचं, आणि त्याद्वारे पुष्कळ लोकांना आव्हान मिळालं सेवेसाठी आणि अनेक लोक पुढे आले. अनेक लोकांनी प्रार्थना करण्याचा निर्णय घेतला आणि अनेक लोकांनी बॉक्सेस घेऊन गेले, मंथली सपोर्ट दिले, त्याबद्दल आम्ही प्रभूला धन्यवाद देत आहोत, प्रभूची स्तुती करतो. मागील आठवड्यामध्ये आमचे 2 सेवक नांदेड शहरामध्ये होते मागील 15 दिवसापूर्वी, आणि त्याने कुटुंबाकडे गेले, त्यांनी व्हिजिट केल्या आणि सेवेची ज्या आमच्या गरजा आहेत, विशेष करून सायकलसाठी, मणिपूरसाठी, अनेक वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी प्रोजेक्ट घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांनी फार कष्टाने आणि प्रेमाने प्रीतीचं दान मागील दिवसामध्ये त्यांनी दिलं, त्याबद्दल आम्ही प्रभूची स्तुती करतो. की माझा मी प्रभूला धन्यवाद देतो की या मंडळीच्या द्वारे मागील 5 महिन्यामध्ये विश्वांची मिनिस्ट्री एकदम 100% आशीर्वादित झालेली आहे, आणि माझा विश्वास आहे की त्याचं प्रतिफळ प्रभू तुम्हाला दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हे मंडळी येणार दिवसामध्ये या नांदेड शहरासाठी आशीर्वादाचं कारण बनो, ही आमची प्रभूचरणी प्रार्थना आहे. प्रभूला धन्यवाद देतो, प्रभूची स्तुती करतो विश्वांच्या मिनिस्ट्रीसाठी, की जी मिनिस्ट्री प्रभू भारतामध्ये आशीर्वादित करत आहे. प्रियानो, एक ऑर्गनायझेशन म्हटलं, एक संस्था म्हटली की त्याच्या पुढे काहीतरी गोल, मिशन आणि विजन असल्याशिवाय, प्लॅनिंग असल्याशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही. परंतु देवापाने आम्हाला विश्वाने जी संस्था भारतामध्ये दिलेली आहे त्या विश्वांचं एकच ध्येय आहे, अनरिच एरियामध्ये जाणे आणि त्या ठिकाणी सुवर्तमान प्रसार करणे. ज्या ठिकाणी कोणतीच मंडळी नाही, कोणीच विश्वासणे नाही, अन्य जाती लोकांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी सुवर्तमान गाजवणे आणि त्या ठिकाणी छोट्या छोट्या मंडळ्या स्थापन करणे. आम्ही जे शहरामध्ये येतो, शहरामध्ये राहून आम्ही 2-4 दिवस व्हिजिट करतो प्रत्येक शहरामध्ये, तर त्या शहरामध्ये आमच्या संस्थेच्या द्वारे की आमच्या सेवकांच्या द्वारे आम्ही कोणत्याच मंडळीमध्ये इंटरफेअर करत नाही किंवा आम्ही कोणत्याच मंडळीची फोडतोड करत नाही. आम्ही ज्या लोकांकडे जातो आम्ही त्यांना म्हणतो, शहरातील ज्या मंडळीमध्ये तुम्ही जाता त्या मंडळीमध्ये तुमचा 100% सहभाग द्या, तुमचा दान दशांश द्या, तुमचा वेळ द्या, आणि त्यानंतर जर तुम्हाला मिशनरी काहीसाठी काही करता आलं तर तुम्ही विश्वाणी सेवेसाठी प्रार्थना करा आणि सपोर्ट करा. आणि माझ्या प्रिय लोक, विश्ववाणीचं जे व्हिजन आहे, मी सांगितल्याप्रमाणे एखादी संस्था किंवा एखादा सेवा करायची आहे, तर व्हिजन आणि मिशन असल्याशिवाय, टार्गेट गोल असल्याशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही, झोपेतून उठून सेवा करू शकत नाही माझ्या प्रियानो. आणि म्हणून प्रभूने आम्हाला जे व्हिजन दिलेलं आहे ते अशा प्रकारे आहे, टू सी द ग्लोरियस गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्लेसिंग विलेज इन इंडिया. भारतातील जी खेडे आहे ती ख्रिस्ताच्या सुवर्तमानाच्या द्वारे आशीर्वादित हो, हे आमचं प्रभूने आम्हाला व्हिजन दिलेलं आहे. आणि आमचं मिशन आहे 300 people groups, 20,000 नेटिव्ह वर्कर्स, 1 lakh villages. तर प्रभूने आम्हाला जे मिशन दिलेलं आहे 2030 पर्यंत 1 लाख खेड्यापर्यंत पोहोचणे आणि 20,000 सेवकांची निवड करणे, त्यांना ट्रेनिंग देणे आणि त्यांच्याद्वारे भारतातील 1 लाख खेडे जिंकणे. माझ्या प्रियांनो, आम्ही प्रभूला धन्यवाद देतो, प्रभूची स्तुती करतो की मागील 2022 मध्ये विश्वाणीच्या द्वारे 6,500 वर अनेक लोकांनी प्रभूचा उघडपणे स्वीकार केला, बॅप्टिझम घेतले भारताच्या अनेक दुर्गम भागामध्ये. 112 चर्चेस भारतामध्ये आम्ही बांधलेले आहेत मागच्या वर्षामध्ये. त्यासाठी आम्ही प्रभूला धन्यवाद देतो, प्रभूची स्तुती करतो. हे केवळ आम्ही करू शकलो तुमच्या प्रार्थनेच्या द्वारे, तुमच्या सपोर्टच्या द्वारे, नाही तर आमच्या खिशात काहीच नाही आहे. जेव्हा तुम्ही सपोर्ट करत होता गेला, त्यामुळे 6,500 विश्वासरे प्रभूकडे आम्ही आणू शकलो, लोकांना प्रभूकडे आणू शकलो. 112 चर्चेस आम्ही भारतामध्ये बांधू शकलो माझ्या प्रियांनो. परंतु आम्हाला येथेच थांबायचं नाही, तर आम्हाला येणाऱ्या दिवसामध्ये
या 2023 मध्ये कमीत कमी 7000 खेळे जिंकायचे आहेत, या 2023 मध्ये 7000 खेळे जिंकायचे आहेत आणि जवळपास 150 चर्चेस कन्स्ट्रक्शन चा प्लॅन आहे. ऑलरेडी प्रत्येक स्टेट मध्ये कुठे ना कुठे 2, 5, 10, 15 अंडर कन्स्ट्रक्शन चर्च चालू आहेत. महाराष्ट्र मध्ये ऍट प्रेझेंट 5 ठिकाणी चर्च कन्स्ट्रक्शन चालू आहेत. आम्ही मागे ह्या महिन्यापासून जवळपास महाराष्ट्र मध्ये 11 नवीन मिशनरी घेतलेले आहेत, सेवकांची निवड केली आहे आणि त्यांच्याद्वारे ऍट प्रेझेंट 55 न्यू विलेजेस मध्ये काम स्टार्ट केलेलं आहे माझ्या प्रियांनो. आणि हे ही जी संपूर्ण सेवा प्रभू आशीर्वादित करत असताना प्रियांनो फार मोठं चॅलेंज आहे आणि हे चॅलेंज आमच्याकडून पेलू नाही होत, आम्ही नाही करू शकत, पण आम्ही शहरातील मंडळांना विश्वासाने विनंती करत आहे ते 2030 पर्यंत 1,00,000 खेळे जिंकण्यासाठी आम्हाला तुमच्या प्रार्थनेची गरज आहे, तुमच्या सहभागाची गरज आहे. आणि म्हणून माझ्या प्रेरणा तुमच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये नेहमी प्रार्थना करा. तुम्ही भारताच्या अनेक दुर्गम भागांमध्ये गेलेत, नक्सलाइट लोक आहेत, जादू टोना करणारे लोक आहेत, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक जातीचे गट आहेत की व्यवस्थित त्यांना कपडे घालता येत नाहीत, त्यांना एक टॅबलेट्स मिळत नाही लवकर, अशा दुर्गम भागामध्ये जाऊन प्रभू ही सेवा आशीर्वादित करत आहे माझ्या प्रियांनो. आणि म्हणून माझी विनंती आहे तुम्ही या सेवेसाठी काय करू शकता. मागील वर्षामध्ये सॉरी मागील फायनान्शियल इयर मध्ये देवपाने आम्हाला भारतामधून 80 करोड रुपये दिले, त्यामध्ये आम्ही एवढे चर्चेत बांधू शकलो आणि 4577 फॅमिलीज मिशनरी फुल टाइम मिशनरीज त्यांची आम्ही काळजी घेऊ शकलो मागील वर्षामध्ये. आम्हाला या वर्षामध्ये आम्ही 23 आणि 24 बजेट तयार केलेल्या भारतासाठी आम्हाला 100 करोड रुपयाची गरज आहे. आमच्या हातामध्ये काहीच नाही, आम्ही फक्त विश्वासाने पुढे निघालेलो आहोत, विश्वासाने पाय टाकलेला आहे. मागील वर्षामध्ये देवबाने 80 करोड पुरवले, या वर्षी आमचा विश्वास आहे देवा 100 करोड रुपये पुरवल्याशिवाय राहणार नाही. हे शक्य होईल केवळ तुमच्या प्रार्थनेच्या द्वारे आणि तुमच्या आर्थिक सहाय्याच्या द्वारे. विश्ववाणीचा प्रमोशन वर्कर किंवा विश्ववाणीचा सेवक शहरामध्ये काम करत असताना सेवा करत असताना कोणत्याच आमदार खासदारकडे जात नाही, कोणत्याच धनाढ्य विधर्मी व्यक्तीकडे जात नाही, केवळ आणि केवळ जे प्रभूवर प्रेम करतात, ज्यांना ख्रिस्त कळालेलं आहे, ज्यांना तारण प्राप्त झालेलं आहे, ज्यांना तारणाची घोषणा करण्याची इच्छा आहे, त्याच लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत. आणि त्यांना विनंती करतो की कृपा करून या कार्यामध्ये सहभागी व्हा. पहिली गोष्ट तुम्ही प्रार्थना करू शकता आपल्या कौटुंबिक जीवनामध्ये आपल्या मंडळीमध्ये, आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही या बॉक्सच्या द्वारे आम्हाला मदत करू शकता माझ्या प्रियांनो. हा बॉक्स तुम्ही तुमच्या घरी घेऊन जाऊ शकता, दर 6-6 महिन्याला हा बॉक्स तुमच्या घरी येऊन आमचे सेवक आमचे ब्रदर मोहनिका जे मागे उभे आहेत ते तुमच्या घरी येतील. आणि येथे लॉक आहे, हे लॉक तुमच्या समोर खोलून त्याचं काउंटिंग करून तुमच्या समोर काउंट करून तुम्हाला रिसीप्ट दिला जाईल. या ठिकाणी अनेक विश्वासणारे आहेत, ख्रिस्त कुटुंब आहे की अजून पण त्यांच्याकडे बॉक्स नाही, आम्ही त्यांना चर्चनंतर भेटतो. ब्रदर बॉक्स आहे ना, सिस्टर बॉक्स आहे, बरं बरं बघू बघू करू करू. पण माझी तुम्हाला नम्रतेची विनंती, हात जोडून चर्च सुटल्यानंतर विश्वासाचा स्टॉल खाली आहे, तुमच्याकडे बॉक्स नसतील तुम्ही बॉक्स घेऊन जा. तुमच्याकडे आहे पण तुमच्या मुलीकडे नसेल, जावयाकडे नसेल, आत्याकडे नसेल, मावशीकडे नसेल, काकाकडे नसेल, त्यांच्या नावाने घेऊन जा. तुमच्या कुटुंबामध्ये 2 लेकरं कमवत आहेत, त्या लेकरांच्या नावाने बॉक्स करा, त्यांना शिकवा मिशनरी कार्यासाठी देण्यासाठी. पॉकेट मनी म्हणा किंवा तुमचे नातेवाईक तुमच्याकडे येतात भेटीला, त्यांना खाऊला पैसे देतात, त्यांना 100 रुपये दिले तर 10 रुपयाच्या मध्ये टाकायला लावा मिशनरी कार्यासाठी, त्यांना कळू द्या मिशनरी काय आहे. एका कुटुंबामध्ये 1 बॉक्स आहे, पण येणार दिवसामध्ये आम्ही प्रार्थना करत आहोत की एका कुटुंबामध्ये 2-2, 3-3 बॉक्स असायलाच पाहिजेत. कारण की जर तुम्ही त्या तुमच्या लेकरांना प्रियजनांना सांगितलं तर नक्कीच ह्या 2023-24 मध्ये आम्हाला 100 करोड रुपये मिळतील आणि आम्ही 7000 खेड्यामध्ये पोहोचू शकू आणि 150 चर्च आम्ही बांधू शकतो माझ्या प्रियांनो. अशक्य काहीच नाही, देवावर प्रेम करणाऱ्या लोकांना काहीच अशक्य नाही. विश्ववाणी जेव्हा भारतामध्ये सुरुवात झाली 7 लोकांच्या द्वारे स्टार्ट झाली, आज 4677 मिशनरी फुल टाइम वर्कर्स
विश्ववाणी का कोणताच मिशनरी पार्ट टाइम काम करत नाही, सेवा करत नाही। विश्ववाणी का प्रत्येक सेवक फुल टाइम त्याची मिसेस त्याच्या सोबत राहते। म्हणून सेवकाचं जे पूर्ण जीवन आहे ते शहरातील, पहिली गोष्ट प्रभूवर डिपेंड आहोत, पण नंतर शहरातील विश्वासदारे आणि शहरातील मंडळावर आम्ही डिपेंड आहोत। आम्ही विश्वानी कोणाला मेंबर बनवत नाही, आम्हाला विश्वानीला पार्टनर्स पाहिजे। तुम्ही आमचे पार्टनर्स आहात, तुम्ही आमचे बॅकबोन बोन्स आहात, तुम्ही आमचे पिलर्स आहात की ज्याद्वारे भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आम्ही येणार दिवसामध्ये आपण सर्व मिळून आम्ही एक देणे करू शकत। माझ्या प्रियांनो, तुम्ही आणि मी सर्व मिळून प्रभूचं राज्य स्थापन करूया। आणि जे आत्मिक प्रभूच्या राज्यामध्ये येतील तुमच्या आणि माझ्या प्रार्थनेच्याद्वारे, आर्थिक दानाच्याद्वारे, त्याचं प्रतिफळ विश्वानी तुम्हाला देणार नाही। विश्वानी तुम्हाला कधी कधी एखाद्या वेळेस चुकून आम्ही तुम्हाला सलाम करणार नाही, समोरून गेलं तर लक्षात राहणार नाही, पण त्याचा काही वाईट मानून घेऊ नका। नाही तर काही लोक म्हणतात ब्रदर माझ्या समोरून गेलेत आणि आम्हाला सलामही नाही केला, आम्ही त्यांना दान देतो आणि ते आमच्या समोरून गेले तरी आम्हाला ते बोलले नाही, त्यावेळेस क्षमा करा प्रियांनो। परंतु सर्वात मोठं प्रतिफळ स्वर्गाच्या राज्यामध्ये तुम्हाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। प्रभू तुमचं आणि माझं स्वागत करेल। अरे भल्या विश्वासू जाता, या भूतलावर तू थोडक्या गोष्टी विश्वासू राहिला। अनेक सेवकांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना केल्या, आपल्या कमाईतून, कष्टातून, त्यागातून, भरपुरीतून आम्हाला पाहिजे नाही, आम्हाला त्यागातून आणि कष्टातून प्रभूला पाहिजे आहे। तुमचा त्याग आणि तुमच्या प्रार्थनेच्या द्वारे एक दिवस 2030 पर्यंत आम्ही 1,00,000 खेडे जिंकल्याशिवाय राहणार नाही। थँक्यू। देवा करू तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देऊ। थँक्यू। हमारे जीवित और पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति महिमा आपका गौरव करते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए बहुत किस्मत करने वाला योना कहता कि वो प्रभु बड़े और मैं मिटू, और सचमुच पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हुए हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे हर एक बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा हुए और हम बड़े ऐसे होने लगे। तो बात का वचन हमारे आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने, नया जीवन बनने का कारण बने, ऐसे होने यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इस्तेमाल को होता है। नांदेड़ जो है ये विश्ववाणी के लिए एक बहुत ही आशीष भरा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के लिए आशीष भरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे खुद के लिए आशीष भरा डिस्ट्रिक्ट है। इसके लिए महाराष्ट्र में अभी तक हमने 48 चर्चेस बनाए और उसमें से पहला चर्च जो है, महाराष्ट्र का पहला चर्च 1996 में हमने खानापुर में बनाया, जो देगलूर से पहले एक 5-6 किलोमीटर जो आता है। और उसके बाद में हमने फिर कम से कम अभी तक 9 चर्चेस हमने बनाए। और इसके लिए विश्ववाणी में आने के बाद में 94 में मैंने विश्ववाणी ज्वाइन की और 96 में महाराष्ट्र के मिशन फील्ड में पहली विजिट नांदेड़ में मैंने दी है। सो इसके लिए आपका नांदेड़ जो है महाराष्ट्र के लिए बहुत ही एक आशीष भरा जो है ये जिला है। इसके लिए परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चर्च बागवान के लिए और के जर्ज समिति के लिए और उसी पता के रेखाता के लिए कि आपने हमें सहायता की कि विश्ववाणी के द्वारा हम आपके कलीसिया में हम आ सके, आपसे बात कर सके और उसी प्रकार से मिशन कार्य के लिए किस प्रकार का मिशन कार्य गांव में जो है, विश्ववाणी जो है इसका दर्शन केवल गांव के अंदर है, शहर के अंदर है, शहर के अंदर आप लोग हैं, आप सेवकाई कर सकते हैं यहाँ पे, आपका चर्च बढ़ा सकते हैं। मगर गांव में अभी तक जो लोग गए नहीं, जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का नाम पता नहीं, वहीं पे वहां पे हम लोग जाते हैं, कलीसिया स्थापित करते हैं, सुसमाचार वहां पे हम दे देते हैं और एक कलीसिया को, चर्च को हम बनाते हैं। यहाँ से नांदेड़ से पहला जो बिलोली है, बिलोली में हमने जो चर्च जो बनाया, बहुत सारा विरोध हो गया चर्च बनाने के बाद में, जिस समय वहाँ पे उसका डेडिकेशन था उसी समय कुछ लोग वहाँ पर आ गए, पहले दिन पेपर में आउट किए कि आपने बिलोली शहर में ये मिशनरी आए हैं, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया है और कल उनका जो है कि उद्घाटन है चर्च का, हम सब लोग जाकर उसका विरोध करें। और उस दिन हमने उसको डेडिकेशन को हमने कैंसिल कर दिया। बहुत दिन तक हमारा चर्च बंद था
किंतु प्रभु का धन्यवाद है कि वही के कुछ पत्रकार आए हमारे साथ में, जो हमारा भाई जयवंत सिंगाड़े वहाँ पर है, भाई साहब हुए लगता वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पे बताया कि चर्च खोलो, हम आपके साथ में हैं। जो अन्य जाति के लोग थे वो हमारे साथ में आए कि आप चर्च को खोलो, हम आपके साथ में हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते कि आज वो चर्च सही रीति से चल पा रहे हैं। नलसी में हमारा चर्च है, केवल विश्ववाणी का चर्च आपको दिखाई देगा, जहाँ पर भी विश्ववाणी जा रही है, चर्च जो बनाया हमने वो केवल विश्ववाणी का चर्च देख लो। तालुका में हमने पहला चर्च वहाँ पे बना है, और निटूर में जो लातूर में निटूर तालुका में पहला चर्च विश्ववाणी का जो है वो हमने बनाया। वलांडी में हमने विश्ववाणी का पहला चर्च वहाँ पे बनाया, उसके बाद में बाकी जो मेवापुर में है वहाँ पे पहला चर्च जो हमने बनाया, जाहूर में विश्ववाणी का पहला, जहाँ कहीं पे नई नौ जगह पे हमने चर्चेज बनाए हैं। और केवल आपको विश्ववाणी की मिशनरी वहाँ पर दिखेंगे, या उस गांव में विश्ववाणी के लोग ही वहाँ पर दिखेंगे। तो नांदेड़ और लातूर में बहुत अच्छी सेवकाई है, लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारे युवा से मैं मिला था यहाँ पर, अभी भी भाई मंसूर से मैंने बात की थी, और देखा आपका से भी बात की थी बहुत बार कि आपके महिला मंडल को आप देखे आइए, मिशन फील्ड क्या है, गाँव कैसा होता है, गांव के लोग कैसे रहते हैं, आप आइए वहाँ पे देखिए, चर्चेस को विजिट कीजिए। लास्ट टाइम मैंने युवा से भी मैंने विनती की थी, उसी प्रकार से धुलिया में हमारा एक सेंटर है जहाँ पे हम कम से कम 100 मिशनरी को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा सेंटर हमने बनाया। बहुत सारा विरोध वहाँ पे उस गाँव के अंदर, इतना विरोध था वहाँ पर कि मैं खुद वहाँ पे गया था, और जाने के बाद में जो भाई ने छोटी सी जगह दी थी हमको 3-4 घंटा वहाँ पर, तो हम वहाँ पे गए थे चर्च की स्थापना करने के लिए, सारे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा है, और उन्हें पता कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो हमने वो भाई ने कहा कि मेरा खुद का जगह है, मैंने विश्ववाणी को गिफ्ट दिए यहाँ पर चर्च बना दी, नहीं आपका चर्च यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, वहाँ पर जाओ, लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। तो उसी पहाड़ के ऊपर हमने इस चर्च का भवन का हमने स्थापना किया है, उसके बाद में उस भाई ने कम से कम 2 एकड़ जगह गिफ्ट दी विश्ववाणी को। सो वहाँ पर हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, महाराष्ट्र के सारे महाराष्ट्र गुजरात से भी कोई नए नए जो मिशनरी जो तैयार हो जाते हैं उनको हम 6 महीना वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। 40 बच्चों का हॉस्टल वहाँ पर है, जो ये सारे बड़ा बेल्ट ही आदिवासी बेल्ट जो है नंदुरबार, और वहाँ के जो सारे आदिवासी बच्चे लोग जो है गुजरात में जाते हैं डेली वेजेस के लिए, जो शुगर केन कटिंग के लिए वहाँ पर, और गन्ने की खेत करने के लिए, और अपने बच्चों को भी वहाँ पे लेके जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा गांव में देवजी पड़ा करके गांव है वहां पर मैं गया, और कम से कम 20-25 बच्चे लोग वहां पे खेल रहे थे, और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि बच्चों को कुछ करना चाहिए। 6 महीना पूरा का पूरा गांव खाली रहता, आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, आज भी आप जाएंगे तो ये जो सीजन जो है सीजन के अंदर खाली बारिश के टाइम भी लोग आते हैं, अन्यथा गाँव का गाँव खाली हो गया, उस गाँव में केवल वही लोग मिलेंगे जो बुजुर्ग है या बीमार है, पूरे लोग अपने फैमिली के साथ में लेके जाते, बच्चों को लेके जाते, 6-6 महीना खेती में वहाँ पे काम करते हैं। और जब मैंने वहाँ पे विजिट की देवजी पड़े के गांव में, तो मैंने कहा कि आपके गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, तो जो सरपंच होता है उसने कहा कि हमारे गांव में लड़की सबसे पढ़ी लिखी है। तो बहुत मुझे आश्चर्य लगा कि क्या एक लड़की इस गाँव में पढ़ी लिखी है, तो मैं उस लड़की को बोला बेटा इधर इधर ये लड़की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी है। मैंने कहा कौन से क्लास तक पढ़ी, तीसरी क्लास तक, हाई एजुकेशन है वहाँ का। सरपंच मुझे बता रहा है कि भाई हमारे से सबसे लड़की पढ़ी। सो बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे कि उसी समय हमने प्रार्थना की प्रभु इन बच्चों के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। सो आधी 2-4 साल के अंदर हमने वहाँ पे एक हॉस्टल वहाँ पे बनाया, और बच्चों लोग वहाँ पे हमने कहा कि आप बच्चों लोगों को मत लेके जाओ वहाँ पर खेती करने के लिए, उनको वो आफू की जो गोली रहती है, छोटे छोटे बच्चों को आफू की गोलियों देते हैं और बच्चों को सुला देते हैं, 4-5 घंटे बच्चों लोग सोते हैं वहाँ पर उसी नशे के अंदर। तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा मुझे, मतलब बच्चे तकलीफ देते हम लोग खेत में जाते तो वहाँ पे वो बच्चों को आफू की गोली वहाँ पे देते, छोटी सी गोली और सुला देते, 6 घंटे बच्चे बस उस नींद में नशे में वो वहाँ पे पड़े रहते हैं, हर दिन का ये काम है उनका। और इसके लिए वहाँ का जो एज ग्रुप अगर देखेंगे 40 साल का जवान आपको 60-70 के जैसा दिखेगा, 40 साल का जवान वहाँ, इस प्रकार का उनका आयु रहती वहाँ पे, उनकी दारू नशा और इस काम में है। तो प्रभु ने हमें आशीष दी कि वहाँ के अभी हम 40 बच्चों को हम लोग वहाँ से संभालते हैं, उस वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, उनका अच्छी से पढ़ाते हैं, और वहाँ के खेल विषय से वो मुझे मिलने की आई वहाँ पर, और कहा कि आपसे मिलना है मुझे, जब हमने बात की तो उसने कहा कि 25 साल से मैं यहाँ पर खेल विषय से इस स्कूल के अंदर, तो पहली बार आपके बच्चों के द्वारा गुड मॉर्निंग टीचर मैंने काम में सुना है, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में,
तो आदिवासी बच्चे नीचे मुंडी डाल के आते हैं, बकरी के समान अंदर घुस जाते हैं, बैठते उनको ऐसा लग रहा है नहीं सहन हो रहा है, निकल जाते भाग जाते हैं, वो पकड़ने के पकड़ते पकड़ के लेके आना पड़ता है, इस प्रकार का व्यवस्था वहां पर है। अगर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। और पिछले साल हमने वहाँ पर एक प्रोग्राम वहाँ पर बनाया था, वहाँ की जो आमदार है, जो मैडम आमदार है, वहाँ पर आई थी और एक प्रोग्राम के लिए हमने उनको बुलाया था। और सरपंच भी मेरे साथ में खाना खाने के लिए बैठे थे, तो सरपंच ने मुझे कहा कि वो टोपी वाला आदमी देखते के सामने बैठा है, आपको आप पहचान नहीं उसे? मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचानता, जो आपको धमकी दिया था आपका चल तोड़ने के लिए वो आपके साथ में बटन ठहरा है। तो पूरा गांव जो है हमारे फेवर में, हमारे फेवर में, ईशुवाणी के फेवर में, प्रभु के फेवर में, किसी भी घर में जाओ। पिछले महीने में वहां पे था, मैं घर पे विजिट कर रहा था, तो सब लोग बुलाए कौन आया कौन अपने घर में, ईशुवाणी के हमारे साथ वो आया, हर घर में किसी भी घर में जाओ प्रार्थना करो। सो इस प्रकार का गाँव वहां पर कोई विरोध नहीं, सरपंच वहां पे आ जाते, गाँव का कुछ प्रोग्राम रहा वहां पे, इसलिए एक साल में कुछ बहुत सारी महिलाएं वहां पे आई थी कुछ सर्वेक्षण करने के लिए, सरपंच ने हमें विनती की कि आपके जो यहाँ पे सेंटर है वहां पे उनको रखो करके। सो वो वहां पे रख के कम से कम 2 महीना थे, हर संडे चर्च में बैठते थे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था हमको आज तक किसी गाँव में किसी सरपंच ने हमें नहीं दी। ये सारी बातें इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये केवल आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हम बढ़ रहे हैं, आप उनके सहयोग के द्वारा हम बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप घर में प्रार्थना जब करते हैं तो ईश्वरी की आप याद कीजिए कि जो देहात में जो ईश्वरी काम कर रहे हैं वहाँ पे अकेले रहते, कोई नहीं रहता वहाँ पे, यहाँ पर अगर बाजू में कुछ हुआ तो सब लोग वहाँ दौड़ के जाएंगे, अरे क्या हुआ उनके घर में, किस प्रकार का काम हुआ है, किस प्रकार की दुर्घटना वहाँ पर हुई है या कुछ समस्या वहाँ पर, मगर ये हमारे मिशनरी भाई केवल आपको वही फैमिली दिखेगी बाकी कुछ नहीं। जब तक हमें कॉल करते तो हमें वहाँ पर आते आते दूसरा दिन हो जाता वहाँ पर। सो इस प्रकार के हमारे जो मिशनरी भाई महाराष्ट्र में कार्य करे 84 मिशनरी है सारी महाराष्ट्र के यहाँ पर। सो उसी गाँव में केवल मसीह लोग अकेले मिलेंगे। कुछ दिनों पहले धुलिया में जब हमने चर्च बनाया तो चर्च बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि आपका चर्च बन गया, अभी आप यहाँ से निकलो, गाँव में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उधर चर्च बनाया, हमें विरोध किया फिर भी आप लोगों ने चर्च बनाया, आप यहाँ से निकलो उधर। तो उसका सामान उसी रात को हमको मालूम नहीं, आप सामान लेके जाओ। सो वो भाई सारा सामान लेके चर्च के अंदर आया, फिर हमको फोन किया कि दादा ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कहा ठीक है चर्च में रहो बाद में देखेंगे। तो संडे के दिन, हर संडे के दिन सारा सामान हम बाहर निकलते हैं, चर्च होने के बाद में फिर वो वहाँ पर अंदर यहाँ पर आ जाता है, जाहूर में ऐसे हुआ है नांदेड़ के वहाँ पर। सो इन दिनों में हम कोशिश कर रहे कि पास्टर को उनका रूम मिले, एक पार्सनेज वहाँ पर मिले जाहूर में, और दुनिया में हमारा सबसे पहला जो है प्रयास कर रहे वहाँ पर कि पात्र वहाँ पे रहे ताकि चर्च की व्यवस्था हो सके, उसकी भी व्यवस्था हो सके और सही रीति से जो है कार्य चल रहे। तो आपकी भी प्रार्थना में इसको याद रखें, 2.5 लाख का खर्चा इसके लिए एक पास्टर रूम बनने के लिए, पास्टर एकदम को लक्की चर्च को लक्की हम इसको बना रहे। तो आपकी प्रार्थना में भी आप याद रखिए, और इसको ऐसा लगता है कि इस काम के लिए हम लोग कुछ दे सकते हैं तो हमारे भाइयों से आप मिले ताकि परमेश्वर के द्वारा आपको भी आशीष करें। जो वचन आज हमने जो पढ़ाई की उनके काम इसका 3 अध्याय और 1 से 10 तक, यहाँ पर एक चमत्कार की बात हम देखते हैं कि एक भिखारी जो है, लंगड़ा भिखारी जो है, ये किस प्रकार से चंगा हुआ है। किंतु आज का मेरा जो विषय कि आपके मुंह में आश्चर्य करना है, आज का विषय जो मेरा है कि आपके मुंह में आश्चर्य करना है, ये मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना है कि मेरे मुंह में आश्चर्य करना है, मेरे मुंह में आश्चर्य। हाँ, क्या आप सब जब मेरे साथ बोलेंगे, कहिए मेरे मुंह में आश्चर्य कर्म है, आश्चर्य कर्म है। अंदर के लोग इसी आवाज में बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत जोर से बोलते हैं, मेरे मुंह में आश्चर्य कर्म है, आश्चर्य कर्म है। बाजू वाले को आप कहिए तेरे मुंह में आश्चर्य कर्म है, आश्चर्य कर्म है। हाँ, बाजू को हाथ बता के बोलिए, भाई बहन तेरे मुंह में आश्चर्य कर्म है, आश्चर्य कर्म है। थैंक यू। देखिए यहाँ पे बाइबल कही थी, यहाँ पर जो आप डिस्प्ले कर ले क्या, डिस्प्ले तो पहला जो वचन यहाँ पे कहता है कि पत्रस और योहन्ना जो है ये उस संडे के दिन प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। रेगुलेशन में जो भी लोग जाते हैं प्रार्थना के लिए हर दिन रेगुलर वहां पे जो संडे संडे जाते हैं, तो पत्रस और योहन्ना भी उस दिन प्रार्थना के लिए जब मंदिर में जा रहे थे। तो दूसरा वचन यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे।
यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जन्म से जो भिखारी है, अगर हम आगे चौथे अध्याय में अगर हम जाएंगे 22वां वचन, तो 22वां वचन ये कहता है कि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया था, 40 वर्ष से अधिक इसको आयु थी, 40 वर्ष से अधिक इसकी आयु थी और जन्म से ये लंगड़ा भिखारी था और हर दिन उसे लोग वहां पर उठा के और मंदिर के बाहर वहां पे लाके रख देते। और बाइबल कहती है कि उस मंदिर का जो दरवाजा है उसका नाम क्या था? सुंदर दरवाजा। अगर नाम सुंदर रखा है तो दरवाजा भी सुंदर होगा, बराबर कि नहीं? अभी पुर्नो में हम लोग गए थे, पुर्नो नहीं, हाँ परभनी में, वहां पे एक मंदिर था, इतना उसका एंट्रेंस इतना बड़ा बनाया था, हम लोग दोनों तीनों देख के हम खड़े थे कि अरे बाप रे, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए हमने खर्च किया खाली पोर्च में एंट्री करने के लिए वहां पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सुंदर नाम जो दरवाजा है, बहुत कलाकारी इसमें की होगी, बहुत अच्छी रीति से दरवाजे को वहां पर बनाया होगा और ये मंदिर का एंट्रेंस है, ये दरवाजा जो है मंदिर का एंट्रेंस है और ये भिखारी जो है अपने भाइयों को, अपने लोगों को या अपने मित्र को शायद हर दिन ये विनती करता रहता कि भाई मुझे उठाओ और क्या करो, उस मंदिर के बाहर मुझे वहां पर रख दो, क्योंकि बाइबल के लिए जन्म से ये लंगड़ा जन्म नहीं पाता था और इसके लिए हर दिन उसको किसी न किसी तभी मदद की जरूरत थी वहां पर, कि कोई ना आए मुझे उठाए वहां पर और उस मंदिर के बाहर बिठाए ताकि आने वाले जाने वाले से मैं भीख मांग सकूं। मैं अंबरनाथ में रहता हूं और अंबरनाथ में जो मेथोडिस्ट चर्च का मैं मेंबर हूं और हमारा चर्च एक बड़ा चर्च है, बाजू में जो एंट्रेंस जो करते बहुत सारे भिखारी वहां पर बैठते, बहुत सारे भिखारी बैठते हैं, उनका एक ही काम है क्या, उनको मालूम है जाने वाले आने वाले सब लोग धार्मिक है। अगर सचमुच हम इतने धार्मिक हो जाते तो एक एक भिखारी 10 साल से कार में आता, मगर आज भी वही बैठे हो, तो हम लोग इतने भी धार्मिक नहीं है कि उनकी तरफ उस प्रकार से देखे कि उस भिखारी का जीवन जो है वह बदली हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सालों से वो मसीह लोगों के हाथ फैला के या जो यहूदी लोग है उनके सामने हाथ फैला के कि भाई मुझे कुछ तो भी दे दो और 40 साल उसकी उम्र हुई है फिर भी अभी भी एक ही काम वो कर रहे हैं, क्या कर रहा है, भीख मांगने का जो है वो काम कर रहा है। बाइबल यहाँ पे कहते हैं कि इस 1 से 10 वचन जो है इसके अंदर 6 बातें मैं आपको थोड़े समय में बताने वाला हूँ, ये 6 प्रकार की बातें यहाँ पर है। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 वचन में देखे कि जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। जब उसने देखा कि ये दो भाई अब मंदिर में आ रहे हैं तो इसने क्या किया, जल्दी से अपना हाथ सामने किया कि भाई कुछ तभी मुझे दे दो, मुझे भीख की जरूरत है, कुछ तभी मुझे पानी की वहां पर जरूरत है। किंतु आगे देखिए वचन यहाँ पे कहता है कि 4वें वचन में तो पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसके और ध्यान से देखा, उस भिखारी क्या और क्या किया उसने, ध्यान से देखा। कभी आपको एक्सपीरियंस है क्या भिखारी क्या और ध्यान से देखने का? तो मुंबई में हमारे एक लोग जो है मसीह लोग एक बार बहुत अच्छी रीति कहते हैं पैसा लेके जाओ टाइम मत लेके जाओ, टाइम है हमारे पास में, आजकल तो ऑनलाइन सब गूगल पे है या फिर और क्या क्या ऑनलाइन, तो बोलते दादा आओ ना घर पे, कितना बताओ खाली कितना आपको देना है या फिर हम आपको दे देते ऑनलाइन आप दे देते, घर पे मत आओ, हमारे साथ में प्रार्थना के लिए मत बैठो, हमारे प्रार्थना मत करो, आप विश्वाने के लिए कलेक्शन करते हमें पता है हम क्या करेंगे, गूगल पे कर देंगे, फोन पे उठाएंगे, नहीं 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 हमारे पास वक्त नहीं। यहाँ पर बाइबल कहते हैं कि उसने पत्रस ने यूहन्ना के साथ क्या किया, उसकी और ध्यान से देखा है। आज वो मुझे आपसे ये बात कहनी है यहाँ पर कि मसीह होने के नाते जरूरतमंद लोगों के और हमें ध्यान से देखना है कि क्या जरूरत है। मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनको किस प्रकार की जरूरत है, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हमारे दोस्त हमारे कलीग, हम जहां पे काम करते हैं हमारे वो लोग, शायद हम अगर कुछ बिजनेस करते हैं हर दिन मिलने वाले लोग, अगर जवान बच्चे लोग हैं तो कॉलेज में मिलने वाले और बच्चे तो स्कूल में मिलने वाले, हर एक ऐसे लोग हैं वहां पर कि जिन्हें ये जरूरत है कि उनकी तकलीफ कोई ना छुड़ाए, उनकी समस्या को कोई छुड़ाए, उनकी परेशानी को कोई तो भी छुड़ाए,
उनकी हर एक बातों को कोई तो भी छुड़ा यहां पर, उस सारे बोझ से दबे हुए बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते हैं, वो आपकी तरफ और मेरी तरफ देखते हैं कि क्या हमारी और कोई ध्यान देगा, क्या हमारे और ध्यान देके कुछ तो बातें करेगा कि जिसके द्वारा हमारे जीवन में शांति हम पा सके, हमारे जीवन की समस्याएं निकल सकती है, हमारे पारिवारिक जीवन में जो समस्या है समस्या पूरी रीति से निकल सकती है। क्या कोई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास हम जाएं और जाकर हम हमारी समस्या को हम बताएं? आप और हम वो लोग हैं कि हमें अपना ध्यान उन लोगों के और देना चाहिए कि क्या इन्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, क्या हम इन्हें किस कौन सी बात हम उन्हें दे सकते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्या हम उन्हें यीशु मसीह का नाम वहां पर दे सकते हैं, क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई यीशु मसीह में तुझे नया जीवन है, यीशु मसीह के अंदर तेरी सारी परेशानी हम निकाल सकते हैं। लोग हमारी और एक बड़ी आशा से देख रहे हैं। जब हम गाँव में जाते हैं हमारे सारे मिशनरी भाई इनके पास बहुत सी साक्षी है, हर दिन की साक्षी है। वहां पर उस गांव में गया, उस परिवार में मैं गया, जाने के बाद उनकी और मैंने देखा, देखने के बाद मुझे पता चला इन्हें बहुत सारी कुछ तभी जरूरत है, हमने प्रार्थना की और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया है। आज यहाँ पे बैठे हुए हरे भाई हरे बहन जो है मसीह होने के नाते पहला काम सुसमाचार का अगर हमें करना है, अगर कुछ अच्छे लेकर हमें करना है तो लोगों के और हमें ध्यान देना है, ध्यान से उनकी और देखना है। हमारा भाई जो हमने अभी बताया मैंने जहाँ पे हमने हॉस्टल बना है वहां का एक पासवान उस गांव में वहां पे गया था प्रचार के लिए, लोगों से मिलने के लिए। उसने देखा कि एक बाजू वाले घर में बहुत गंदी बांस आ रही है, एक झोपड़ी है और वहां से बहुत गंदी बांस आ रही है। तो उसने भाई से पूछा कि कौन रहते वहां पर, इतनी गंदी बांस वहां पर आ रही और कौन लोग है वहां पर? तो ये उसने कहा कि मेरा छोटा भाई वहां पर है, बीमार है। तो उसने कहा बीमारी के बाद इतनी गंदी बांस कैसे आ रही? So, उस झोपड़ी के अंदर ये हमारा पासवान वहां पे चला गया। सो जो भाई वहां पे बैठा था उसके पैर को कम से कम इतना बड़ा कपड़ा बांधा था उसने, कपड़े बांध के इतना बड़ा कपड़ा बांधा था। और वो इतना बड़ा कपड़ा बांधने के बाद भी उसकी उसका लहू बाहर आया था और उसमें से उसकी गंदी मांस बांधता रही थी। और उसने कहा कि भाई क्या हुआ? उसने बोला पता नहीं, एक साल हो गया और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पैर मेरा पूरा खराब होते जा रहा है। So, उसने उस सारे कपड़े को वहां पर जैसे निकाला एक 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 कपड़े को, सो उसके पैर के अंदर कीड़े पड़ गए और जितना दर्द होता था ये भाई उतना कपड़ा वहां पर बांधता था, जैसा दर्द होता कपड़ा बांध के इतना बड़ा पैर को उसने इतना कपड़ा बांधा। सो उसने कहा कि क्या आपके लोगों ने आपको देखा नहीं, बाजू में आपका बड़ा भाई रहता है, क्या उसने आपको देखा नहीं वहां पर? उसने कहा कि कोई नहीं आता है, बाहर से खाना यहाँ पर डाल देता है, वो मैं लेके जाके खाना खाता हूँ। तो उसने जल्दी से उसको बोला कि मैं हॉस्पिटल आपको लेके जाता हूँ। वहाँ भाई छोटी सी टेम्पो है वहाँ पर, वहाँ पे दो भाई को लेके आया, उस टेम्पो में उसने उसे डाला वहाँ पर और हॉस्पिटल में लेके गया चिंचपाड़ा करके अपना क्रिश्चियन हॉस्पिटल नजदीक है वहाँ पर। सो जाते ही डॉक्टर ने कहा कि आज के आज इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो कैंसर की बीमारी बढ़ सकती है, यहाँ तक वो आदमी चला गया है। और वैसे ने उसने कहा कि कम से कम 50,000 खर्चा आएगा, तो मेरा हमारे पास इतना पैसा नहीं, तो डॉक्टर लोग ठीक है हमको जमा कर दे, कृपया 25,000 दे दो, कोई ऑपरेशन जल्दी से हो जाएगा। तो उसने जल्दी से मुझे बताया कि दादा इसे ऐसा समस्या, मैंने कहा ठीक है ऑपरेशन करो, पैसे का हम लोग व्यवस्था करेंगे। सो कुछ लोगों को मैंने बात बताई तो उन्होंने जल्दी से पैसा दे के उसका पैर काट दिया वहां से। बोला एक ही इलाज है इसका पैर काटना है, नहीं तो ठीक तो नहीं हो पाएगा। सब उसका पैर हमने वहां पे काटा और उसके बाद में हमारा हॉस्टल है वहां पे हमने उसको ला के रखा कि यहाँ पे खाना खाते जाओ और यहीं पे आप रहो करके। सो कुछ दिन बाद उसका पैर जो है वो ठीक हो गया और हमारे बैप्टिज्म वहाँ पे चालू थे और कुछ लोग बैप्टिज्म ले थे वहाँ पे टैंक के बड़े। सो बैप्टिज्म लेने के बाद में ये भी लग रहा ऐसा आते आते वहाँ पर कहने लगा कि भाई मुझे भी बैप्टिज्म दो। सो हमने कहा कि हम इस प्रकार का बैप्टिज्म नहीं लेते, कम से कम एक साल तक हम बाइबल स्टडी देते अध्ययन देते यीशु मसीह के बारे में हम आपको बताते हैं, उसके बाद में समझ में आने के बाद में जब आप तैयार होते तब तो आपको हम बैप्टिज्म देते हैं। उसने कहा कि मैं तो यीशु मसीह आप ही लोगों के अंदर देखता हूँ, आप ही लोगों के अंदर मुझे यीशु मसीह दिखाई देता है, मेरे घर वाले मुझे नहीं लेके गए हॉस्पिटल, मेरा सगा भाई बाजू में रहता है वो लंबे से आके खाना देता है, आप ही लोग मुझे उठा के लेके गए, चंगाई मुझे मिली है, और कौन सा यीशु मसीह आप मुझे बताने वाले हैं? हालेलुया। उसी दिन उसने बैप्टिज्म वहां पे लिया
जब सरपंच को ये पता चला, सरपंच को जाके पता है उसने मैंने बैप्टिज्म लिया, सरपंच वहां पे आया, भैया इसको बैप्टिज्म दिया क्या? सो उसने कहा हां वही में जब मिलने गए, ठीक हुआ इससे आपने बैप्टिज्म लिया, इसको ख्रिस्ती बनाए आप लोगों ने, ठीक हो गया। ध्यान से देखने की जरूरत हमें है लोगों की, अरब की क्या जरूरत है। मैं वैसे की बात नहीं कर रहा, मैं उद्धार की बात कर रहा हूँ, मैं नए जीवन की बात कर रहा हूँ, जीवन परिवर्तित होने की मैं बात कर रहा हूँ। कि लोग, बहुत सारे लोग आप नहीं जानते इनको, आप नहीं समझ सकते कि ये लोगों को क्या जरूरत है, किंतु जब भी आप मुंह खोलेंगे बताएंगे तब लोग कहेंगे कि इसी की तो मुझे जरूरत थी, ये नया जीवन पाने की तो मुझे जीवन थी। और इसके लिए बाइबल कहता है कि पतरस और यूहन्ना ने जल्दी से कुछ निकाल के उसे दिया नहीं, भैया ठीक है ये लो, हमें मंदिर के अंदर जाना, हमें देर हो रही है, बाद में आप देखेंगे, बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं। बाइबल कहती है कि वो वहां पे रुके, रुकने के बाद में पहला काम जो उन्होंने किया है उस भिखारी की ओर ध्यान से देखा। हमारे मसीह जीवन के अंदर हमें लोगों के तरफ पहली बात अगर जो करनी है जो समाचार के लिए, तो लोगों की ओर हमें ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए बाइबल क्या कहते हैं, उसी वचन में, चौथे वचन में देखिए, और उसने कहा कि हमारी ओर देख। उसने क्या कहा अभी, हमारी ओर देख, इतना समय मैंने तेरी ओर देखा है, अब क्या हमारी ओर देख। सुसमाचार का काम करते समय, लोगों को प्रभु का वचन सुनाते समय दूसरी बात बहुत जरूरी है कि लोगों को यह कहना कि तू हमारी ओर देख। जब हम लोगों को कहते कि हमारी ओर देख, इसका मतलब है कि हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ है, हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ चला है, मेरे जीवन में किस प्रकार की साक्षी है, ये लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने मेरा जीवन किस प्रकार से परिवर्तित किया है, प्रभु ने मेरे जीवन में किस प्रकार के काम किए हैं, ये लोगों तक हमें लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में जो उन्नति मिली है, हमारे जीवन में जो शिक्षा मिली है, हमारे जीवन में प्रभु ने जो बढ़ोतरी दी है, ये हमें दूसरा काम करना कि लोगों को बताना है कि मेरे जीवन में जो साक्षी है उस साक्षी को मुझे दूसरों को बताना है कि प्रभु ने ये काम मेरे जीवन में किया। पतरस कहता है कि मेरी ओर देख, मैंने भी प्रभु को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैंने नाका है, जिसके साथ मैं 3.5 साल तक मैं रहा हूं, प्रभु ने मुझे चुना है। जब मैं मछली पकड़ रहा तो प्रभु ने कहा कि पतरस मेरे पीछे आ जा, और सारे मछली को छोड़ के सब मैं उसके पीछे वहां पे चला गया, फिर भी उसके बावजूद भी प्रभु को मैंने 3 बार नकारा, मगर फिर भी उसने मेरे ऊपर प्रेम किया और कहा कि इसी पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, इसी पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, मेरी ओर देख, मेरा जीवन तू दे। प्रभु ने मेरे सारी पापों की क्षमा की, प्रभु ने मेरे सारा नया उद्धार मुझे जो दिया है, नया जीवन जो मुझे दिया है, हमें लोगों को इस बात को बताना बहुत जरूरी है। उसके पहले ये भी जरूरी है कि आपके पास साक्षी है या नहीं। मैं वो साक्षी नहीं बता रहा हूं कल मैं बीमार था, चंगा हो गया, ये तो आशीष है आपके लिए। कल मैं बहुत बुखार था मुझे, आज मेरा बुखार, कल मेरा बुखार 105 था, आज 99 आ गया, ये साक्षी मैं नहीं बता रहा। नया जीवन का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। नया जीवन मैंने पाया है प्रभु यीशु मसीह के अंदर, नए जीवन को मैंने लिया है प्रभु यीशु मसीह के अंदर, अब मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो मैं जी रहा हूं। एक बाहर विदेश की एक कहानी है, एक किताब में वहां पे लिखी थी। एक चार मित्र थे और एक बिजनेसमैन थे, और चारों मित्र जो है इकट्ठा बैठते थे, इकट्ठा चर्च पे जाते थे, और फिर एक मीटिंग के अंदर चले गए, उनका उद्धार हो गया, चारों के चारों का उद्धार हो गया। एक पत्रकार था, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, इंग्लैंड की कहानी, इंग्लैंड के अंदर उनका न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। सो एक बार बैठे बैठे उस अपने न्यूज़पेपर को उसने लिया और आखिरी 3-4 पन्ने वो पलट रहा था, तो उसने देखा कि दुनिया की सारी असली बातें मेरे पेपर के अंदर है, दुनिया की सारी असली बात। और इसलिए अगर जैसे मेरा न्यूज़पेपर बाहर आ जाता है तो लोग तड़पते उस न्यूज़पेपर को लेने के लिए,
और कई मिनटों में सारे न्यूज़पेपर खत्म हो जाते हैं और आज मैं जो इतना बड़ा हो चुका हूं सो इस न्यूज़पेपर के द्वारा, मगर ये चार पढ़ने जो है ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं कि चार पढ़ने के लिए सारे लोग झपटते हैं उस पेपर को लेने के लिए कि आज किसके बारे में बताया है, आज क्या चित्र वहां पर है या कौन सी गलत बातें गंदी बातें उसके अंदर है। तो उसने बैठ के पूछा किया कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे पेपर का एडिटर होता तो मेरा पेपर कैसा रहता। तो उसने प्रार्थना की और प्रभु ने बताया कि पिछले चार पन्ने कल से प्रिंट नहीं करना है। तो दूसरे दिन उसने अपने सब काम का कार्यक्रम जो उनको बताया कि खाली पहले आठ पन्ने जो प्रिंट करने, बाकी के पिछले चार पन्ने प्रिंट नहीं करने। तो सब जन आश्चर्य हो गए कि अरे सर इसमें तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, नहीं नहीं कल से ये चार पन्ने नहीं। सब न्यूज पेपर बाहर आ गया, सब लोग झपटने लगे और देखने लगे पिछले पन्ने नहीं दिख रहे, चार पन्ने नहीं दिख रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, मिस हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं आज नहीं प्रिंट है। तो पेपर लेके गए सब जन, दूसरे दिन वापस सारे पेपर लेने के लिए और उसमें से 50% लोगों ने पेपर रिटर्न किया, नहीं नहीं वो पन्ने हमको नहीं दिखाए जाते। दूसरे दिन 50% लॉस, तीसरे दिन और 60% लॉस, 70% लॉस। तो उसके मित्रों से कहने लगे अरे तू पागल हो गया क्या, इतना बड़ा तेरा न्यूज़पेपर है और इस बात को तू कर रहा है। उसने कहा कि नहीं नहीं नया जन्म को मैंने पाया है और एक बात को मैंने चाहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे न्यूज़पेपर का एडिटर होता तो वो इसी प्रकार से लिखता था। और उसने कहा अगर यीशु के लिए मैं टोटल लॉस भी हो गया तभी चलेगा, मगर मेरा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने अच्छा और क्लियर होना बहुत जरूरी है। पतरस ने उसे लंगड़े की ओर देखकर कहा कि अब क्या करो, मेरी ओर देखो, मेरा जीवन जो है, मेरा साक्षी वाला जीवन जो है, इस बात को आप देखो। इतने लोग यहां पर बैठे हुए ऐसे है कि अपनी साक्षी को लोगों तक लेके जाते हैं, अपने साक्षी को लोगों को बताते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से है। कई के बार हमें पता नहीं चलता कि सुसमाचार कैसे सुनाना है, सुसमाचार लोगों तक किस प्रकार से लेके जाना है। एक ही काम हमें करना है, मेरे जीवन में जो परिवर्तन है ये लोगों के दौर पास हमें लेके जाए कि मेरे और देख कि ये मेरा जीवन किस प्रकार से है। यहाँ पर आगे यहाँ पे कहता है कि उसने उसके पास देख कर कहा कि परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। उसने कहा जो मेरे पास में है वो मैं तुझे देता हूं। बाइबल यहां पे कहती है कि पतरस ने उसे कहा कि तुझे देने के लिए मेरे पास में है, जो भी है वो मैं तुझे देता हूं। तीसरी बात हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो बात यहां पर है कि हमारे पास क्या है ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास क्या है कि जिसके द्वारा मैं सेवकाई कर सकता हूं, मेरे पास क्या है कि जिसके द्वारा मैं सपोर्ट कर सकता हूं, मेरे पास क्या है कि जिसके द्वारा मैं इस कामों को वहां पर सेवकाई को मैं आगे लेके जा सकता हूं। कोई कोई लोग जैसे एंट्री करते हैं नहीं भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या हमारे पास आंसू नहीं है कि हम उन लोगों के आंसू बहाए कि जो लोग परेशानी में है? क्या हमारे पास परमेश्वर ने घुटने नहीं दिए कि हम घुटने टेके उन लोगों के लिए कि प्रभु ये लोग मेरे पास आ रहे हैं मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, मगर मैं घुटने टेक कर इनके लिए मैं दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगती हूँ कि प्रभु इनके हर एक कामों को आप सफल कीजिए, इनको आप आशीष कीजिए, जहां कहीं ये जा रहे, जिस गांव में जा रहे, जिस देहात में जा रहे, जिस परेशानी में है प्रभु इनकी सारी परेशानी आप पर दूर कर दे। कुछ तो प्रभु ने हमें दिया है कि हम हर दिन अपने आप को प्रार्थना में, वचन में हम स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि दूसरों के लिए हम उपयुक्त वहां पे ठहरे। प्रार्थना जिससे हमारी बढ़ती है तो हमारे मुंह में आश्चर्य कर्म आ जाते हैं कि अगर दूसरों के लिए हम एक शब्द की भी हम प्रार्थना कर देते हैं कि भाई विश्ववाणी के लोग आए हैं सो उनको आप आशीष दीजिए, गांव में जा रहे देहात को आप आशीष दीजिए, उस गांव को आप आशीष दीजिए। देखिए बड़ा परिवर्तन जो है आपके लफ्जों के द्वारा उस गाँव के अंदर हो सकता है, उन परिवार के अंदर हो सकता है, उन लोगों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन को आप जान सकते हैं। और जैसे उसने उसे कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ तो है, तो आगे यहाँ पे कहता कि उसने वो कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा और उसने क्या क्या वहां पर उसने क्या दिया उसे, उसने कहा
कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल लो फिर। बहुत सारी प्रार्थनाएं नहीं, बहुत सारी दुआएं नहीं, मुंह में उनके एक आश्चर्य कर्म का एक शब्द वहां पे निकला और वो भिखारी की और उसने देखकर क्या कहा कि यीशु नासरी के नाम से मैं कहता हूं उठ और चल फिर। एक शब्द जो सामर्थ्यशाली जो बनता है हमारे हमारा उसके पीछे बहुत सारा डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। हर सुबह हम परमेश्वर मसीह से मिलने के लिए हमारी दौड़ होनी चाहिए। हर सुबह परमेश्वर हमसे क्या बात करता है वचन की और हमारी दौड़ होनी चाहिए। दोपहर के अंदर हम प्रभु मसीह के पीछे हमारी दौड़ होनी चाहिए। रात को हमारे बिस्तर पर सोने के पहले हम घुटने टेक कर कहने चाहिए कि प्रभु आज सुबह से जो आशीष आपने आज तक हमें दिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बार हम एक्सीडेंट से बचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे अभी कुछ होने वाला था उससे मैं बच गया। बहुत सारे लोग पिछले दिनों में एक बड़ी महामारी के अंदर चले गए हैं, हम सब यहाँ पर आज जीवित यहाँ पर बैठे हैं। हर दिन शाम को वक्त सोने के पहले उस धन्यवाद को ना भूले कि प्रभु ने हमें आज के दिन में जो संभावना है अपने हृदय को जाने कि क्या मेरा हृदय आज पवित्र है, क्या मेरे हृदय में केवल मेरा स्थान जो है पवित्र आत्मा को मैंने दिया है, क्या हर दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चल रहा हूं। हर दिन हम अपने आप को जांचे और जब हम इस अपने आप को जांचते रहते उसके बाद में हमारे मुंह में एक शब्द का आश्चर्य कर्म आ जाता है। हालेलुया। एक शब्द पत्रस ने बहुत प्रार्थना नहीं की वहां पर, पत्रस ने एक ही बात वहां पर की कि नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं उठ और चल। देखिए बाइबल क्या कहती है आदमी, अगर डिस्प्ले के वहां पर आपका है देखिए यहाँ पर सातों वचन यहाँ पे यहाँ पर कहते कि और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। चौथी बात जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है कि हमारा दाहिना हाथ हम उन लोगों के लिए तैयार रखना चाहिए जो गिरे हुए, जो उस खाई में गिरे हुए, चिकड़ में जो गिरे हुए, कीचड़ के अंदर जो फंसे हुए हैं, पाप के अंदर जो फंसे हुए हैं और गरीबी के अंदर जो फंसे हुए हैं, हमारा दाहिना हाथ हमें उन्हें देना है कि भाई ये मेरा दाहिना हाथ है उठ। बहुत सारे लोग प्रार्थना करके उनको भेज देते हैं या फिर कुछ थोड़ा देके भेज देते हैं। You have to follow that people how they are। उनकी और हमें देखना चाहिए कि ये लोग किस प्रकार से कैसे काम कर रही है। हमारा दाहिना हाथ उनके लिए हमें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हर समय अपने दाहिने हाथ को तैयार रखिए कि प्रभु मेरा बायां हाथ जो है मेरे परिवार के लिए है, बायां हाथ जो है मेरे लोगों को आशीष करने के लिए, मेरे बाल बच्चों को आशीष करने के लिए, मगर दाहिना हाथ जो आपने मुझे दिया है ये उन लोगों के लिए है कि जिनको मदद चाहिए। उसके लिए दाहिने हाथ को हमेशा तैयार कीजिए। बाइबल कहती है कि गुप्त दान है ना, अगर आप दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले कितना दे रहे हैं। इसके लिए तो प्रभु ने अभी क्या किया है, दो हाथ दे के दाहिना हाथ देने के लिए तैयार रखने के लिए प्रभु ने हमें दाहिना हाथ दिया। बाइबल कहती है उसने उस भिखारी को क्या किया है, दाहिना हाथ दिया, अपने दाहिने हाथ को दिया। आजकल तो सरेंडर लेके जाते हैं, जैसा दाहिना हाथ दिया पताक से डाल के धो देते हाथ, इतना गंदा हाथ था, ऐसा हाथ था वहां पर। आप कभी मिशन फील्ड में जाइए देखिए लोगों के हाथ कैसे हो जाते हैं, कैसे हाथ रहते हैं, कोई कोई कूड़ी लोग रहते हैं। गलती से अगर हमने हाथ दिया और उसे तीन चार उंगली हमको दिखाई नहीं दी, दिन भर हम खाना भी नहीं खाएंगे। अरे मेरा हाथ उसको दिया और चार उंगली उसको नहीं थी, कूड़ी था, और क्या किया मैंने, हाथ उसको दे दिया मैंने यहाँ पर। बाइबल कहती कि अपने दाहिने हाथ को हमेशा तैयार रखिए आशीष के लिए। आपका बाह्य हाथ जो है शायद एक कमाने के लिए होगा, शायद आपके परिवार के लिए होगा, शायद आपके लोगों के लिए होगा, मगर हमारा दाहिना हाथ हमेशा कुछ ना कुछ तभी आशीष की बातें करने के लिए तैयार होना चाहिए। बाइबल कहती है कि प्रार्थना करने के बाद ये वचन उसको देने के बाद में पत्रस ने अपने दाहिने हाथ को उसे दिया,
और दैन्य हाथ को बाइबल देखिए क्या कहते आगे कि और उसने सातवचन और उसने उसका दैन्य हाथ पकड़कर उसे उठाया। आगे बाइबल क्या कहती है, उसको उठाकर गोद में लिया क्या या उसको पकड़ के ऐसे चलाया क्या? नहीं, बाइबल कहती है यहां पे कि और तुरंत, बहुत अच्छा लोग जानते हैं उसके आए इमीडिएटली, तुरंत, दो दिन के बाद में नहीं, चार दिन के बाद में नहीं, हमारे मुंह में वो अच्छा करना चाहिए कि एक छोटी सी प्रार्थना और हमारा दाहिना हाथ जब हम आगे बढ़ाते हैं, बाइबल कहते हैं कि और तुरंत उसके पांव और ढकनों में बल आ गया। बहुत सारे लोगों के 60 के ऊपर जो है ना, अपने घुटनों में दर्द होना चालू होता है। कहां कहां नहीं जाते हम लोग, क्या क्या नहीं करते हम लोग, कौन कौन सी प्रक्रिया नहीं करते, कौन कौन से डॉक्टर के पास हम नहीं जाते, क्या हमारे क्या हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे। जब मैं 45 का था तो मैं एक घुटना दर्द करने लगा, तो इतना दर्द करने लगा कि चलने के लिए मुझे तकलीफ होने लगी और मैं डेली सुबह मॉर्निंग 5 बजे घुटनों के ऊपर ही प्रार्थना करता हूँ। कभी मैं बैठ के जैसे मुझे मसीह समझ में आया, उस दिन से आज तक मैंने कभी ऐसा बैठ के या फिर चद्दर ओढ़ के या फिर अपने बिस्तर के ऊपर ही मुझे डाल के ऐसी प्रार्थना नहीं की। जब भी मैंने प्रार्थना की, मैं घुटनों के ऊपर आया, घुटनों के ऊपर ही मैंने प्रार्थना की, बहुत सारी समस्या घुटनों के ऊपर छूट जाती है। घुटनों में हमारा वो बल होता है कि जो उसको भाता है, उसको भाता है, और हमें वही करना है जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है। सो डॉक्टर के पास मैं चला गया। वहां पर डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसने एक्सरे निकाला, सब देखने के बाद में उसने कहा कि भाई आपका पैर बेंड नहीं करना है, आपका पैर कुछ दिन तक बेंड नहीं करना है, आपको चलना है तो ऐसा सीधा ही चलो। मुझे कहा ट्रैवल करते हैं, so, मैंने कहा तो कभी कभी तो रहता हूँ घर में, मैं तो हर समय में ट्रैवल नहीं करता हूँ। नहीं, एक दो महीना ट्रैवलिंग नहीं करना। सो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, मैं पास्टर हूँ, एक मिशनरी काम मैं करता हूँ और हर सुबह 5 बजे मुझे घुटने टेकना है। डॉक्टर बोले भैया, मैं आप भी तो बताया घुटने नहीं टेकना, देखने के नाम तो बोले घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, एक महीना कम से कम आप घुटनों के ऊपर प्रार्थना नहीं करना। दूसरे दिन सुबह मैं 5 बजे उठ गया और मैं मेरे दोनों पैर लंबे करके मैं प्रार्थना करने लगा तो मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, क्योंकि जो आदत मेरे घुटनों को लगी थी कि जब तक तो घुटने नहीं देखता है तब तक तेरी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो जाती, मैं अपसेट हो गया कि प्रभु मैं अपसेट हो रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। सो मैं घुटनों के ऊपर आ गया और बहुत पेन चालू हुआ मुझे। सो मैंने कहा कि प्रभु मेरे घुटने तेरे लिए हैं, इसको दर्द होए या कुछ भी हो, अगर ये आदत तो तूने मुझे लगाई है, ये आदत तो तेरी और मुझे आई है कि मैं घुटनों के ऊपर आके तुझसे बात करूं, सो मैं घुटने टेक कर ही प्रार्थना करूंगा और प्रभु का धन्यवाद हो मेरा दर्द धीरे धीरे कम होते गया। और जो दिन मैंने वहां पर ट्रीटमेंट ली थी उसके बाद में मैं कभी भी नहीं गया। आज मैं 53 इयर्स का हूं, अब तक मेरे घुटनों में दर्द नहीं आया। हालेलुया। सो उस घुटनों में इतना ताकत, बाइबल यहां पे कहती है कि उसने अपना दाहिना हाथ देकर उसे उठाया और 40 साल से जो खड़ा भी नहीं रह पाया है, 40 साल से जिसने दोनों पैर कभी खड़े होकर अनुभव नहीं किया है, बाइबल यहां पे क्या कहते हैं कि तुरंत उसके पांव और ढकनों में बल आ गया। हमारे जीवन में वो बल होना बहुत जरूरी है, हमारे हृदय में वो सामर्थ्यशाली बल होना बहुत जरूरी है। और देखिए आगे क्या कहता है, 5वां वचन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर 5वीं बात 8वां वचन में, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलते चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ कहाँ गया? हाँ, इतने दिन कहाँ था? अंदर दरवाजे के बाहर। दरवाजा बाहर, मंदिराचा दरवाजा
भाई अपने लोग, अपने ही लोग मंदिर में नहीं जा रहे थे। भैया कहाँ जा रहा है? मंदिर में। अरे काम करे, मुझे उठा के लेके चलो। उसको मालूम है उठा के कहाँ रखना है? बेंच पे लाके नहीं रखना है, काम पे रखना है। दरवाजे के बाहर, मंदिर के बाहर। कितने साल? कितने साल? 40 साल। 40 साल से अपने लोगों से अनुभव ले रहा था कि इसको उठाओ और कहाँ पे रखो? मंदिर के बाहर रखो यहाँ पर। मगर जिस दिन उद्धार होने वाले लोग इसे मिल गए, जिस दिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग इसे मिल गए, जिस दिन यीशु के पीछे चलने वाले चेले उसको मिले, तुरंत बाइबल यहाँ पर कहते हैं कि उसके घुटनों में बल आ गया और वो कूदता हुआ, नाचता हुआ कहा गया? मंदिर के अंदर कूदता हुआ। बाइबल कहते है, मेरे बाइबल में ऐसा लिखा कि आपके बाइबल में वही है क्या? वह अटोचन, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ कहां पे गया? मंदिर के अंदर कूदता हुआ। बाइबल कहते कूदता हुआ, नाचता हुआ, चाहे गाता हुआ परमेश्वर के मंदिर में चला गया। मुझे लगता है कि शायद ये गाना गाता रह गया ना, लंगड़े चलते हैं। आपको गाना पता है? हाँ, तुम मेरे साथ गाएंगे? लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, आगे देखते हैं। मेरे पीछे गाओ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से आगे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से आगे देखते हैं, गूंगे सुनते हैं, गूंगे सुनते हैं, गूंगे सुनते हैं, गूंगे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे सुनते हैं, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। वो लोग चश्मी जा रहे थे, कितने लोग? कौन? महिला? पत्रस? दूसरा योहन्ना? अब कितने लोग गए मंदिर में? तीन लोग गए। दो जन जा रहे थे मंदिर के अंदर, मगर जब मंदिर के अंदर जाने के पहले उन्होंने इस व्यक्ति को जब देखा तो बाइबल कहती है इनके पहले दौड़ के गए। पत्रस और योहन्ना मंदिर में जाने के पहले ही ये लंगड़ा क्या हो गया? दौड़ता हुआ। बाइबल कहती है दौड़ता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ वहां पर अंदर चला गया। क्या कभी इस अनुभव को आपने पाया है कि मेरे पहले कौन तो नहीं जा रहा? इस अनुभव को आपने कभी देखा? यहाँ पर आपके मन में आश्चर्य करना होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता इसका 21वां अध्याय और 10वें वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता पढ़िए कोई कभी योग से 21:10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूँ। तू अपना मुंह पसार। बाइबल कहती है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे। हाँ, पहली बात तो ठीक है, हर एक अपने मुंह को पसारता है, बराबर ना? बाजू वाले से झगड़ा करने के लिए
चर्च वालों से झगड़ा करने के लिए, बहू अपना मुंह पसारती है सास के लिए, सास अपना मुंह पसारती है बहू के लिए, मगर दूसरी जो बात है मैं उसे भर दूंगा। विश्वास का परमेश्वर कहता है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जो यहां पर पांचवी बात जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कहती यहां पर कि अपने मुंह को हम पसारने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह प्रभु के कामों के लिए जब अपने मुंह को हम पसारते हैं तो प्रभु क्या करता है, उसे भर देता है। जब परमेश्वर उसे भर देता है तो हमारे मुंह में क्या है, आश्चर्यकर्म हो जाते हैं। एक ही लफ्ज और आश्चर्यकर्म, एक ही बात हो सकती है बस प्रभु में। हम इस बात को करेंगे, प्रभु में इस बात को होना चाहिए, प्रभु में इस बात को पूरा करना चाहिए। जब हम मुंह से कोई बात निकालते हैं तो उसी समय उसी वक्त उस बात को हम प्रार्थना करने के समय आखिर में क्या कहते हैं, आमीन। क्या कहते हैं आखिर समय, आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है, ऐसा ही हो जो हमने सारी प्रार्थना की है उस प्रार्थना के समान वैसा ही हो। क्या हम देखते हैं क्या कभी ये हुआ है कि नहीं, अरे आमीन बोल के निकल जाते। कोई कोई समय हम बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं आखिरी में कहते हैं प्रभु ये छोटी सी विनती को कबूल कर, बड़ी कर दे, और आखिर क्या बोलते हैं, कोई कोई लोग तो सो जाते हैं। आखिरी वर्ड याद आते कौन सी, छोटी की छोटी सी विनती को कबूल कर। अगर छोटी सी विनती भी हो उसके अंदर सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी बात को आमेन कहते हैं तो उस आमेन इसका मतलब होना ही है, वो आपके द्वारा होना है, मेरे द्वारा होना है, हमारे बहनों के द्वारा होना है, और इसके लिए मसीह लोग सामर्थ्य से भरे हुए होना बहुत जरूरी है। क्रिस्ती लोग सामर्थ्य में रोज भरना खूब महत्वाकांक्षा है, तभी आश्चर्यकर्म को हम पा सकते हैं। और आखिरी बात यहाँ पे छठी बात नौवें वचन में यहाँ पे लिखे कि सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। सब लोगों ने, जब हम किसी को परमेश्वर का वचन बताते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके अंदर आश्चर्यकर्म होना बहुत जरूरी है। लोग उसकी साक्षी हमारे तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भाई ने प्रार्थना की, ये भाई ने प्रार्थना की, ये कलीसिया ने प्रार्थना की, ये चर्च ने प्रार्थना की, और सारी जो बातें हो गई है, आमेन हो गया है। लोग इस बात को देखे, लोग इस बात को पहचान, और इसके लिए हमारे साथ में लोग प्रार्थना के लिए होना बहुत जरूरी है। पिछले महीने में हमारे विश्ववाणी में बहुत दिन से एक समस्या थी कि थोड़ा फाइनेंस का हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, और हमारे सारे विश्वी भाई जो प्रमोशन भाई जो है कम से कम 20 लाख का डेफिसिट था हमारे पास में, कि सबका ड्राइविंग देना एक 12-13 महीने से पेंडिंग था वहाँ पर। और हम सोच रहे थे कि क्या करना है, किस प्रकार से ये बात को करना है। सो मैं दिल्ली में था और वहाँ पे सब कोऑर्डिनेटर से हमारी मीटिंग थी, और सारे मीटिंग के अंदर महाराष्ट्र का नाम दिया गया कि महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं, 20 लाख रुपया डेफिसिट चल रहा है, 12-13 महीने से विश्वजी को ट्रैवलिंग नहीं मिल रहा है, सब 20 लाख रुपया पेंडिंग है। सो सबके सामने मुझे जवाब देना पड़ा कि आप क्या करने वाले हैं। सो प्रभु ने मेरे मुंह के अंदर एक बात को डाल दिया, और एक ही लफ्ज मैंने साफ से कहा कि अगस्त महीना के अंत तक 20 लाख रुपए हम तैयार करेंगे और सबका ट्रैवलिंग हम देंगे, बस इतना ही बनेगा, बाकी कैसा करना है क्या करना है मुझे पता है। सो हर दिन सुबह 6 से 6:30 तक हमारे विश्ववाणी के सारे मिशनरी भाई जूम मीटिंग में जुटते हैं, प्रार्थना होती है, सो कुछ वच प्रभु का वचन हम बांटते हैं। सो दूसरे दिन 1 तारीख को मैंने कहा कि अगले 3 दिन तक हम वचन नहीं बांटेंगे, केवल हमारे सारे मिशनरी भाई इस काम के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पता नहीं 20 लाख रुपया कहाँ से आना है, मगर 30 अगस्त तक यहाँ पर पूरा का पूरा 20 लाख रुपए पूरा होना चाहिए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और 3 दिन लगातार इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, और 4th दिन से हमने शुरुआत की लोगों तक जाने के लिए, और अगस्त के 30 अगस्त को
हमने 20 के 20 लाख रुपए को तैयार किया। हालेलुया। और सारे महाराष्ट्र के ड्राइविंग बिल जो है 20 लाख रुपए हमने पूरे किए। हमें नहीं पता किस प्रकार से काम हुआ। सो हमारे सारे महाराष्ट्र के 28 भाई लोगों के बीच में जा जाकर सारे कामों को बातों को शेयर कर रहे बता रहे थे यहाँ पर। और ये हमारी साक्षी लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। उस नंगे भिखारी के पास में जब ये साक्षी तैयार हुई, आगे हम देखेंगे तो सारे योगी लोगों के पास जाकर उसने किस प्रकार का साक्षी वहाँ पे दिया। आज हमारे मुंह में उस प्रकार का आश्चर्यकर्म होना बहुत जरूरी है कि हम जो भी बात बोले प्रभु यीशु मसीह में वो सारी बात पूरी होना बहुत जरूरी है। यह प्रार्थना हमारे जीवित और पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, अपना महिमा करते। प्रभु जी, आपने हमें एक नया जीवन दिया, हमारे नाम के सामने मसीह लोग एक नाम आ गया। आज लोग हमारे पास में देखते हैं कि इनके पास से हमें कुछ मिल सकता है, इनके और हम गए तो हमें समाधान है, शांति है, अनुग्रह है, कृपा है, आशीष है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे प्रभु जी, तो उस न्याय के समय तेरे सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। और पिता प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने जिन लोग इस दुनिया में बहुताई से लोगों के उद्धार का कारण बने, जो लोग अपने दाहिने हाथों को उठाकर बहुताओं को आशीष का कारण बने, वो लोग जीवन के लिए तैयार हो सकते। आज फिर एक बार पिता प्रभु जी इस वचन के द्वारा आपने हमें समझ दी, इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुना करो। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं परमेश्वर को आज के सुंदर संरचन के लिए, और उसी तरह से हमारे रिस्पेक्टेड प्रकाश गद्रे सर को, कि बहुत ही ऐसा दिल को झंझोड़ कर रखने वाला आज का संदेश हमारे तक आया है कि हमें उनकी ओर देखना है। बहुत सीधे सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन हमारे दिल को छू लेने वाली बात उन्होंने कही है कि क्या हम देखते हैं। यह प्रश्न मुझे और अपने आप को, हमें हर एक को पूछना है। फिर से एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी और प्रकाश गद्रे सर को, कि परमेश्वर उनकी जो सेवकाई है वो आशीषित करें। इस समय